दोस्तों आज का ये वीडियो एक सिंगल ट्रांजिस्टर वाले पावरफुल एम्पलीफायर के ऊपर में बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंगल ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक पावरफुल एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। और इस एम्पलीफायर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसको 3.7 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक के पावर सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं। और 3.7 वोल्ट में थोड़ा सा आपको कम साउंड और कम बेस मिलेगा, और 12 वोल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा साउंड और थोड़ा सा ज़्यादा बेस आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए यहाँ पे 3055 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आपको 15 से 20 रुपए का मिल जाता है। और आपको ये मेटल वाला ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना होगा एक 47 माइक्रोफेरड और 25 वोल्ट का कैपेसिटर। आप देख सकते हैं ये 2 से 3 रुपए पर पीस का आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरह का एक ऑक्स केबल, जो कि आपको पुराने ईयरफोन से मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक 3 इंच का स्पीकर का यूज कर रहा हूँ। ये 4 ओम्स और 10 वाट का स्पीकर है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस एम्पलीफायर को बनाने से पहले मैं इस ट्रांजिस्टर के पिन आउट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट है, ये वाला बेस पॉइंट है, और ये वाला एमिटर पॉइंट है। तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर पॉइंट के बीच में हम लोग इस 1 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का निगेटिव वाला ये वाला पॉइंट जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर के साथ में हम लोग इस ऑक्स केबल को कनेक्ट करेंगे। तो आप ऑक्स केबल में टोटल 2 वायर देख पा रहे होंगे। तो ये जो व्हाइट वाला वायर है ये ऑक्स केबल का ग्राउंड वाला वायर है, और ये जो ग्रे कलर का वायर आप देख रहे हैं तो मैंने लेफ्ट और राइट चैनल दोनों को मिला के एक कॉमन वायर बनाया है, वही ये वायर है। आप जो देख पा रहे हैं ये ऑक्स केबल में ये जो स्लीप देख रहे हैं ये जो सबसे नीचे की ओर रहता है ये लेफ्ट चैनल का रहता है पॉइंट। उसके बाद इसके बाद वाला ये राइट चैनल का, और ये ग्राउंड वाला, और ये ऊपर वाला माइक वाला। तो माइक वाला आपको यूज नहीं करना, इन दोनों को लेफ्ट और राइट चैनल को दोनों को आपस में शॉर्ट करके मिला लेना है। और ये ग्राउंड वाला, तो वही ये व्हाइट वाला वायर है जो ये ग्राउंड है और ये मेन वाला वायर है। तो इसे मैं ट्रांजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जो ऑक्स केबल का व्हाइट वाला ग्राउंड वायर है वो इस ट्रांजिस्टर के इस एमिटर वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट होगा, और ये जो ग्रे कलर का वायर आप देख रहे हैं वो कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इन दोनों को। और उसके बाद इस सर्किट में हम लोग निगेटिव पावर सप्लाई देने के लिए इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ में वायर कनेक्ट करेंगे। तो मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग स्पीकर लेंगे, और स्पीकर का आप जो ये निगेटिव वायर देख रहे हैं ये जो व्हाइट वाला वायर है लेफ्ट साइड की ओर, वो ट्रांजिस्टर के हम लोग बॉडी के साथ, यानी ट्रांजिस्टर के इस कलेक्टर वाले पॉइंट के साथ में हम लोग सोल्डर कर देंगे। और ये जो स्पीकर का पॉजिटिव वाला वायर है ग्रे कलर का वायर, वो हम लोग डायरेक्टली जो हम लोग यहाँ पे एक वायर बचा हुआ है पॉजिटिव सप्लाई देने का, तो इसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोगों का ये एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड बन के रेडी है। अब फ्रेंड्स ये जो सारा सर्किट और स्पीकर है इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर में हम लोग सेट कर देंगे ताकि साउंड की क्वालिटी बेटर हम लोगों को मिले। तो मैं इसके अंदर सेट कर देता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ फिर इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे मैं इस स्पीकर को ग्लू गन की हेल्प से चिपका ले रहा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोगों का ये एम्पलीफायर बन के रेडी है। चलिए इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं अब। तो इस एम्पलीफायर को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसे बैटरी के साथ में कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक NCS का सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। तो मैं कर ले रहा हूँ इस फोन के साथ में कनेक्ट, और कर देता हूँ इसे प्ले। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आसानी से आप इस एम्पलीफायर को बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो 3055 ट्रांजिस्टर का यूज किया है, तो इसमें मैंने हीट सिंक का उपयोग नहीं किया है क्योंकि इसे मुझे शॉर्ट टाइम के लिए प्ले करके दिखाना था। तो आप जब भी बनाएं इस एम्पलीफायर को तो आप हीट सिंक का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।